फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का ये हमारा चौथा वीडियो है। बाकी के तीन वीडियो आपको आई बटन के माध्यम से मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आइए इस वीडियो का हम पहला अनुच्छेद देखते हैं क्या है। वो है अनुच्छेद 348। 348 में उच्चतम न्यायालय की यानी कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट राज्य के उच्च न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय की और उच्च न्यायालयों की भाषाओं का जिक्र है कि यानी कि वहाँ की उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी, इस बात का मेंशन है। जिसमें से अनुच्छेद 348(1) में बताया गया है, 348(1) में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ किस भाषा में होंगी, सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। यानी कि अनुच्छेद 348(1) में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो ऑफिशियल वर्क होगा वो किस में होगा, वो अंग्रेजी भाषा में होगा, इस बात का मेंशन है। लेकिन कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं। पूरे अनुच्छेद अगर 348(1) को अगर हम बेयर एक्ट के माध्यम से देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। यानी कि ये कब तक होंगी, जब तक संसद जो है कोई कानून नहीं बना देता है, कोई उपबंध नहीं कर देता है कि किस भाषा में होगी, तब तक जो है सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। तो यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि अनुच्छेद 348(1) में जिस बात की चर्चा है कि सभी कार्यवाहियाँ जब तक संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है तब तक वो अंग्रेजी भाषा में होगी, तो क्या वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगी, तो इसका उत्तर होगा नहीं। क्योंकि अनुच्छेद 348(2) कुछ और भी कहता है। अनुच्छेद 348(2) कहता है कि किसी राज्य का राज्यपाल कौन, किसी राज्य का राज्यपाल, अब चूंकि राज्यपाल तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, तो इसलिए किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों हेतु हिंदू या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी अन्य भाषा का प्रावधान भी वो कर सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से उस राज्य के ऑफिशियल वर्क और उच्च न्यायालय जो वहाँ का राज्य का हाईकोर्ट होगा उसके वर्क के लिए किसी अन्य भाषा को भी प्राधिकृत कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और कही गई है कि न्यायालय की अगर मान लीजिए न्यायालय में कोई और भाषा यूज की जाती है जिसको राज्यपाल जो है सजेस्ट करता है, तो वहाँ पर न्यायालय के जो आदेश होंगे, जो डिक्री होगी, वो जो है किस में होगी, वो भी अंग्रेजी में ही होगी। यानी कि न्यायालय की क्या क्या बता रहे हैं, न्यायालय की जो डिक्री होगा, जो आदेश होगा, जो निर्णय होगा, उसका अनुवाद अंग्रेजी में जरूर किया जाएगा। तो दो अनुच्छेद यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। एक है अनुच्छेद 348(1) जिसमें उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा का जिक्र है 348(1) में, और 348(2) में किस बात का मेंशन है, तो यहाँ पर मेंशन है कि किसी अन्य भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की सहमति इस पर लेगा, लेकिन जो उसके आदेश होंगे वो अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद प्रस्तुत करवाना अनिवार्य है। यानी कि मोटे तौर पर अगर हम समझें कि न्यायालय में प्रयोग होने वाली जो आधिकारिक भाषा होगी, आधिकारिक भाषा जो होगी उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 348 में है। अगला आर्टिकल 124 है जिसमें जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना का जिक्र है, उच्चतम न्यायालय की जो है स्थापना और गठन का जिक्र है। ठीक है, उसके बाद सवाल पूछा जाता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रावधान है, तो अनुच्छेद 124 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 124(7) अनुच्छेद, चूंकि अनुच्छेद 124(7) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, क्या कहा गया है, कोई भी व्यक्ति, कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, ठीक है, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है या पद धारण किया है, वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति
जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया है वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ध्यान रखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य करेगा इस बात को लेकर के निषेध किया गया है, यानी कि वह अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि उसके कार्य की मनाही है, वह कार्य नहीं कर सकता है, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 124 के सात में, सातवें जो उसका उपखंड कहते हैं ना, इसको उपखंड है, तो अनुच्छेद 124 के उपखंड सात में इस बात का मेंशन है, या खंड कहें, और उसके बाद में जब कभी आगे और अनुच्छेद होता है तब उसको उपखंड कहते हैं, तो यहाँ पर हालांकि इसको खंड ही बोलेंगे। तो अनुच्छेद 124 सात में इस बात की चर्चा है। अगला अनुच्छेद राष्ट्रपति से रिलेटेड है, जिसमें है अनुच्छेद 80(1)(a), हालांकि इस बात की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन यहां पर बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम यहां पर राज्यपाल के बारे में आगे बताने वाले हैं। तो अनुच्छेद 80 के खंड एक के उपखंड एक में बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ठीक है, क्या करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, वो भी कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, तो वो क्षेत्र होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला, और क्या होता है, और होता है समाज सेवा। तो हाल ही में जो है रंजन गोगोई को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इसलिए अनुच्छेद 80(1)(a) जो है वो चर्चा में था। से जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार से राज्य विधान जो परिषद होती है उसमें राज्यपाल भी कुछ सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ये करता है 171 के खंड 5 के तहत, अनुच्छेद 175(5) के तहत राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को विधान परिषद में नाम निर्दिष्ट करता है, यानी कि विधान परिषद में उनकी नियुक्ति करता है। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 164(4), अनुच्छेद 164 के क्लाज 4 में बताया गया है कि कोई भी मंत्री तभी तक मंत्री रहता है जब तक वो जो है विधानमंडल के किसी न किसी जो है सदन का सदस्य रहता है, तभी तक वो मंत्री रह सकता है। तो अनुच्छेद 164(4) में बताया गया है कि कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माह तक, ध्यान रखिएगा ये अवधि ध्यान रखना है कि निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए वो मंत्री, उसको कैबिनेट में बना दिया गया, तो उसको 6 माह की अवधि के अंतर के 6 माह की जो अवधि दी गई है इसके अंतर्गत उसको किसी ना किसी जो है क्या कहते हैं उसका हाउस का, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद हो, यहाँ की सदस्यता उसको जो है वो ग्रहण करनी पड़ती है। तो अगर वो सदस्यता 6 माह के अंतर्गत नहीं हासिल कर पाता है तो उसका जो मंत्री पद है, यानी कि उसकी जो मंत्री बनने की सिचुएशन स्थिति है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि कोई भी विधानसभा का, कोई भी विधान मंडल का जो है सदस्य मंत्री तभी तक रह पाएगा, विधान मंडल के सदस्य कहने का मतलब क्या है कि विधानसभा या विधान परिषद का, ठीक है, तो वो मंत्री तभी तक रह पाएगा जब तक वो विधान मंडल का सदस्य है, यानी कि चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो या चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, और अगर नहीं है तो 6 महीने के अंतर्गत, इस 6 महीने के अंतर्गत उसको सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगर वो सदस्यता नहीं ग्रहण कर पाता है तो उसे मंत्री पद से जो है अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी कि वो मंत्री नहीं रहेगा। और अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 244 या अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 को जानने से पहले दो चीज़ें जानना ज़रूरी है, एक है अनुसूची 5वीं, यानी कि 5वीं अनुसूची या अनुसूची 5, और दूसरा है अनुसूची 6, क्योंकि अनुच्छेद 244 में कहा गया है कि 5वीं अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर भारत में भिन्न अन्य अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में प्रावधान, यानी कि 5वीं अनुसूची में जिन अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान है, जिन अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जिक्र है, वहीं पर सिर्फ अनुच्छेद 244 के तहत प्रशासन संबंधी प्रावधान होगा, ठीक है,
बाकी जो अनुसूची 6 है यहाँ पर कुछ राज्यों का जो है मेंशन है, कुछ राज्यों के बारे में बताया गया है, जैसे असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। तो इन 4 राज्यों में किस प्रकार से प्रशासन होगा, वहाँ की जनजातीय परिषदों के माध्यम से प्रशासन होगा, यहाँ का शासन चलेगा, इस बात का जिक्र जो है अनुसूची 6 में बताया गया है। अनुसूची 5 में कुछ और अन्य जो है जनजातीय क्षेत्रों का जो है जिक्र किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो है अनुच्छेद 244 में कहा गया है, क्या कहा गया है, अनुच्छेद 244 में कहा गया है कि 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत से भिन्न अन्य अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान, ठीक है। यानी कि जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची के वर्णित क्षेत्रों को हटा करके जो अन्य क्षेत्र हैं, जो अन्य अनुसूचित क्षेत्र हैं, जैसे इस समय एट प्रेजेंट क्या है कि आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र जो है वो घोषित हैं। तो इन क्षेत्रों में यहाँ का जो प्रशासन होगा वो अनुच्छेद 244 के तहत किया जाएगा। अब बात आती है कि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा किस प्रकार से होती है, तो ये एक अलग प्रावधान है। यहाँ पर जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति जो है अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करता है। तो इस अनुच्छेद में मोटे तौर पर इतनी सी बात है कि 5वीं अनुसूची में जिन क्षेत्रों का जिक्र है, अब वो कौन से क्षेत्र होंगे, तो इन क्षेत्रों की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करेगा। तो उन क्षेत्रों का जो प्रशासन होगा वो 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 में दिए गए संवैधानिक आधार पर होगा, ठीक है। और 6ठी अनुसूची में जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो भी यहाँ के रूल्स बनाए जाएंगे 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के प्रशासन चलाने के लिए, वो रूल्स 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे, क्योंकि 6ठी अनुसूची में अलग बताया गया है कि यहाँ के जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होंगे वहाँ का शासन प्रशासन वो किस प्रकार से चलेगा, वो एक अलग प्रावधान।